अनूप कुमार पटेल आज के गोरखपुर सिविल कोर्ट में उपस्थित हूँ। यहाँ हमारे सीनियर वकील जो हैं मंत्री पद के लिए रत्नेश पाठक, आइए हम इनसे इनका परिचय लेते हैं। मैं रत्नेश पाठक मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के स्नेह सहयोग समर्थन और कनिष्ठ के स्नेह सहयोग समर्थन के बल पर मंत्री पद का नामांकन आज मैं दाखिल किया हूँ। सर आप मतलब आपसे कैसे वकील लोग मतलब कि आपसे मतलब उम्मीद रखेंगे कि आप पद पे जाइएगा तो उनके लिए कुछ कीजिएगा? देखिए वर्ष 2007 और वर्ष 2010 में आप सभी अधिवक्ता वरिष्ठों के आशीर्वाद से और कनिष्ठों के सहयोग से एक बार मुझे संयुक्त मंत्री और उपाध्यक्ष के पद पे निर्वाचित करके आप लोगों ने मुझे परखा है, समझा है, ठीक है। और वर्ष 2007 और 10 की कार्यकारिणी ने अधिवक्ता हितों के लिए जो काम किए हैं वो पूरी कचहरी को मालूम है। तमाम छाया कुंजों का निर्माण, बार एसोसिएशन का सुंदरीकरण, कंप्यूटर कक्ष का निर्माण, बार के सामने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण, ये सब हम लोग की पुरानी कार्यकारिणी ने किया है। एक बार पुनः अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो अधिवक्ता हितों के लिए एक रचनात्मक और सबका सहयोग लेकर के बार के गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं। आइए, हमारे बहुत सारे वकील लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या सर से उम्मीद रखेंगे कि इनका पद का जब ये पद पर आएंगे और इनके लिए क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या उम्मीद रखिएगा? हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं अधिवक्ताओं के हित में ये अपना काम करें और हम लोगों का जो बीमा का प्राविधान है उसमें संशोधन करके अधिक से अधिक अधिवक्ताओं के बीमा के बारे में सोचें और उनके सुख सुविधाओं के बारे में, खास करके जो किताब लाइब्रेरी वेरी है उसके दुरुस्तीकरण। कैमरामैन संजना कुमारी के साथ, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, आइए हम इससे पहले परिचय देते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम होगा? मैं उमापति उपाध्याय दीवानी कचहरी में भी 1978 से कर रहा हूँ तथा चुनाव में विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ। इस वर्ष मैं अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सर एक चीज है मतलब कि अगर आप जीतते हैं तो नया युवा के लिए आप क्या कीजिएगा? अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरी है कि जो चुनाव और बाइलाज के अनुसार एक साल ही पद पर रहना है, मैं एक साल ही पद पर रहूंगा। जैसे ही एक साल समाप्त होगा अपने पद को छोड़ करके कार्यभार एल्डर कमेटी को सौंप दूंगा और अध्यक्ष निर्वाचित होने पर युवा अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस का काम किया जाएगा तथा कचहरी में पेय व्यवस्था, पेशाब की व्यवस्था नहीं है, यहाँ करते हैं जो 24 कलसी बिल्डिंग बना है उसमें हमेशा टॉयलेट गंदा रहता है, इसको सफाई कराया जाएगा और जितने बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनको पहले पेंशन मिलती थी उस पेंशन को भी दिया जाएगा, नए अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी और मरने पर जो 50,000 रुपया पूर्व के लोगों द्वारा दिया गया है मेरे द्वारा 1,00,000 रुपया उनको पहुंचाया जाएगा और जो वकालतनामे का पैसा है जिसके लिए इस बार में तमाम तरह की घपलाएं होती हैं, तमाम लोग एक बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा भी उस फायदे के लिए आते हैं उसको बंद किया जाएगा। तो कालतनामे का पैसा अधिवक्ता हित में, जो अधिवक्ता का हित होगा बीमारी में अन्य कार्यों में दिया जाएगा।